सो दोस्तों, इस पूरे इसराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली है। वो ये है कि लगातार इसराइल इंटरनेशनल मीडिया को निशाना बना रहा है। इन अदर वर्ड्स, उन ऐसी बिल्डिंग जहां पर इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ की ऑफिसेज हैं, उन सभी बिल्डिंग को लगातार इसराइल निशाना बना रहा है। तो मिसाल के तौर पर, अभी रिसेंटली इसराइल ने एक बिल्डिंग थी जहां पर अल जजीरा का ऑफिस था, एपी न्यूज़ का ऑफिस था, बीबीसी का ऑफिस था और ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ के ऑफिस थे, उस मीडिया उस पूरी बिल्डिंग को निशाना बनाया और उसे रॉकेट से गिरा दिया। दोस्तों, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये वो बिल्डिंग थी जहां पर अक्रॉस द ग्लोब इंटरनेशनल मीडिया के वहां पर जर्नलिस्ट रहते थे, करस्पॉन्डेंट रहते थे, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रहते थे, जो लगातार फलस्तीन और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को रिपोर्ट कर रहे थे। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि वो ऐसी बिल्डिंग्स थी जहाँ पर इसराइल रॉकेट मार रहा है, उन बिल्डिंग को गिरा रहा है, जहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन रहती थी, काम करती थी, जिनका ऑफिस वहाँ पर था। इसराइल उन ऐसी बिल्डिंग को भी टारगेट कर रहा है जहां पर इंटरनेट की स्पीड का एक्सेस ज़्यादा है, यानी कि जहां पर राउटर्स, इंटरनेट एक्सेस या वाईफाई वगैरह का इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा है। इन अदर वर्ड्स, जहां से बहुत सारे जो पत्रकार बंधु हैं, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं, उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं अपनी खबरों को ब्रॉडकास्ट करने के लिए पूरे ग्लोब को। तो ऐसे उन सभी ठिकानों को इसराइल निशाना बना रहा है अपने रॉकेट से और उन बिल्डिंग को गिरा रहा है। अभी क्वेश्चन आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों, अगर आप इस क्यों की पड़ताल करेंगे तो आपको ये जानने को मिलेगा कि इसराइल ने उन सभी आउटलेट्स को गिराया है, नस्तो नाबूद किया है, बिल्डिंग को गिराया है, जिन्होंने इसराइल की जो एट्रोसिटीज़ हैं, इसराइल की जो एंड कॉलोनियल पॉलिसी है, जो अपथराइट पॉलिसी है, उसको रिपोर्ट किया है। देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अल जजीरा ने लगातार इसराइल की जो ब्रूटालिटीज़ हैं, एट्रोसिटीज़ हैं, उसका जो डिस्क्रिमिनेशन है फ़िलिस्तीनियों का, वो लोगों के सामने बरसों से जग जाहिर करते आ रहा है। सेम एपी न्यूज़ का है, सेम वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनका भी है। देखें तो इसराइल ने डायरेक्टली उन सभी आवाज़ों को खामोश करने की कोशिश की है, जो आवाज़ें लगातार वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट ला करके हम लोगों को बताती रही हैं। इसके साथ साथ वो ऐसी संस्थाएं जो इसराइल की एट्रोसिटीज़ के बाद में जब वहाँ पर बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होती है, बहुत सारी मार्जिनलाइजेशन क्रिएट होती है, तो वहाँ पर वो काम करती हैं फ़िलिस्तीनी बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को भी रॉकेट के निशाने पर ला दिया इसराइल ने। मतलब सीधा फंडा है कि अगर आप फ़िलिस्तीनियों की किसी भी प्रकार से मदद करोगे तो हम आप पर रॉकेट बरसाएंगे, यही इसराइल ने किया है। तो अभी एक प्रश्न उठता है कि इसराइल ने इंटरनेट के जो ठिकाने थे उनको क्यों निशाना बनाया। तो आज के टाइम पे बुलेट ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर से भी फास्ट चलता है इंटरनेट। तो इसराइल नहीं चाहता था कि इस इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो दुनिया को उस एट्रोसिटीज़ के बारे में बताएं जो इसराइल वहाँ पर फ़िलिस्तीनी को लिए कर रहा है। अगर आप इन तीनों मुद्दों को आपस में कनेक्ट करें तो एक और पिक्चर बनती है, वो ये है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्रिटिकली देखें, तो जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़िलिस्तीनी बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, फ़िलिस्तीनियों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती हैं, वो डायरेक्टली मीडिया से रिलेटेड है। मतलब मीडिया उनसे कॉन्टैक्ट करती है कि आप ऐसी फैमिलीज़ के बारे में या ऐसे विक्टिम्स के बारे में बताएं जो शिकार हुए हैं इसराइल की एट्रोसिटीज़ का। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही मदद करती हैं मीडिया आउटलेट्स को उनके पास तक पहुंचाने में। फिर वो मीडिया आउटलेट अपना काम करता है, अपनी जर्नलिज्म की जो एक रोल है वो प्ले करता है और उस स्टोरी को ला करके पूरे वर्ल्ड को बताता है, राइट। और वो स्टोरी हमारे और आपके पास पहुंचती कैसे है, इंटरनेट के माध्यम से, राइट। तो अब समझ में आया कि किस प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज एजेंसीज और इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसे ही थिंकिंग हमें और आपको करने की ज़रूरत है इसराइल को एक्सपोज करने के लिए। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सही है और कौन गलत है, यहाँ पर बात हो रही है वायलेंस वर्सेस पीस की, यहाँ पर बात हो रही है एविल वर्सेस गुड की, यहाँ पर बात हो रही है मॉरेलिटी वर्सेस करप्शन की, राइट। तो हम इस चीज़ पर बात कर रहे हैं। रही बात कौन सही कौन गलत, तो इस पर एक वीडियो कल आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ इस पूरे रीजन में। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके क्या ओपिनियन है, क्या व्यूज़ हैं, क्यों इसराइल टारगेट कर रहा है इन सभी बिल्डिंग्स को जहां से मीडिया ऑपरेट होती है, जहां से ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट होती हैं, जहां से आपका इंटरनेट एक्सेस ज़्यादा होता है, क्यों टारगेट कर रहा है, आपको क्या लगता है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं।